श्री शिवाय नमस्तभ्यम सोमवार के दिन भगवान शिव और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। धन की प्राप्ति किसे नहीं होती, लेकिन धन प्राप्ति में पितृ दोष भी रुकावट बन जाते हैं। कई बार ऐसे पितृ दोष होते हैं जिनका प्रभाव हमारी तरक्की और धन पर पड़ता है। यदि आप उन पितृ दोषों को सोमवार के दिन किए गए उपायों से समाप्त कर देंगे तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी का भी आगमन होगा और आपके पितृ दोष की रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं धन प्राप्ति के लिए क्या है उपाय जो कि सोमवार के दिन आपको करना है। सोमवार की शाम को काले तिल और कच्चे चावल, दो चीज की जरूरत पड़ेगी, काले तिल और कच्चे चावल। आप 21-21 दाने दोनों के ले लें, 21 दाने काले तिल के और 21 दाने कच्चे चावल के। चावल सेंगा होना चाहिए, टूटा फूटा कटा फिटा ना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दोनों को मिला लें, किसी भी शिवलिंग पर आप उन्हें समर्पित करें। ध्यान रहे यह कार्य सोमवार के दिन शाम को प्रदोष काल के समय होना चाहिए। किसी भी शिवलिंग पर आप इसे समर्पित करें, घर के शिवलिंग पर भी आप समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितृ दोष कम हो जाएंगे, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपके धन संबंधी कोई भी रुकावट आ रही है, आपके कार्य में कोई भी बाधा आ रही है तो वह भी रुक जाएगी। अगर आप ऐसा उपाय पितृ पक्ष के 16 श्राद्धों के दिन करते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम माना जाता है। हमारे पितृ हमसे संतुष्ट होते हैं और वे हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे धन धान्य में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, ऐसे ही कई उपाय हैं जो हमने पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि उन्हें भी इन उपायों की जानकारी प्राप्त हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।